एडवांस पॉइंट के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, जंगी तैयारों की तारीख में शायद इससे पहले इतनी शोहरत किसी त्यारे ने हासिल नहीं की जितनी पाकिस्तान की शान कहलवाने वाले JS-17 थंडर ने हासिल की है। इसके चाहने वालों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। अभी मुश्किल से ही शायद एक हफ्ता पहले हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान के JS-17 थंडर त्यारों को अर्जेंटाइन एयरफोर्स खरीदने जा रही है। इस मकसद के लिए पाकिस्तान को 12 त्यारों का ऑर्डर मिल चुका है। इस बात का सबूत यहां से मिलता है कि विकिपीडिया में JS-17 थंडर त्यारों के खरीदारों में अर्जेंटीना का नाम शामिल कर लिया गया है। इसके बाद ग्लोबल विलेज स्पेस की एक रिपोर्ट आपके सामने रखी गई थी जिसमें इस बात का दावा किया गया कि मलाशियन एयरफोर्स ने भी पाकिस्तान के JS-17 थंडर को खरीदने का फैसला कर लिया है, लेकिन इस खबर की पाक फिजाया या किसी भी मोतबिर ज़राए ने अभी तक तस्दीक या तरदीद नहीं की। लेकिन जो खबर आपको देने जा रहे हैं इसमें किसी की तस्दीक की जरूरत नहीं, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम इस बात का सबूत भी देंगे। पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की आन, JS-17 थंडर को एक और इस्लामी मुल्क ने अपनी एयरफोर्स में शामिल करने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स से मीटिंग की है, जिसके बाद इस मुल्क की फिजाइया की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि हम पाकिस्तान के JS-17 थंडर ब्लॉक 3 को अपनी एयरफोर्स में शामिल करने वाले हैं। दोस्तों, ये कौन सा मुल्क है और कितने त्यारे कितने डॉलर्स के इवज में पाकिस्तान से हासिल करने जा रहा है? आखिर ये नया मुल्क सारी दुनिया के त्यारों को छोड़कर पाकिस्तान के JS-17 थंडर को क्यों खरीद रहा है? इन सब बातों को तफसील के साथ डिस्कस करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सकें। ताहम इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए शामिल होने वाले तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि हमारे चैनल एडवांस पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को आसानी से मिलता रहे। आइए दोस्तों, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। दोस्तों, यहां पर एक मिसाल देना मैं जरूरी समझता हूं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि पाकिस्तान के JS-17 थंडर त्यारों की खरीदारी में इजाफा क्यों हुआ है। आपने बहुत सी मूवियों या मोटिवेशनल स्पीकर की जुबान से सुना होगा कि जब कोई एक शख्स हिम्मत करता है तो दूसरों के अंदर भी हिम्मत आ जाती है। यहाँ ये बात करने का मकसद ये है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के JS-17 थंडर त्यारों को खरीदने से इसकी वजह ये है कहीं अमेरिका हम पर पाबंदियां ना लगा दे। और ये मिसाल जो मैंने दी है वो बिल्कुल JS-17 थंडर के ऊपर उतरती है। अब जैसे ही अर्जेंटीना ने JS-17 थंडर त्यारों को खरीदने का ऑर्डर दिया है, 23 सितंबर 2021 को इराकी एयरफोर्स के एक वफद ने अपने एयर चीफ के हमरा पाकिस्तान एयर चीफ से मुलाकात की और सिर्फ मुलाकात ही नहीं बल्कि पाकिस्तान एयरफोर्स की पेशावर महारतों की तारीफ भी की और दोनों अफसरान के दरमियान मुश्तरका मशकें और बाहमी तामन को बढ़ाने के लिए भी बातचीत हुई। इन दोनों ममालिक के दरमियान तालुकात को मजीद बेहतर करने के लिए जो बहाना ढूंढा गया है इसका नाम JS-17 थंडर है। दोस्तों, इराकी एयरफोर्स ने पाकिस्तान एयरफोर्स से 20 के करीब JS-17 थंडर खरीदने का अंदिया दिया है जिसके लिए इराक को $700 मिलियन अदा करने होंगे। प्यारे दोस्तों, इससे पहले हम ये देखें कि इस खबर में कितनी सच्चाई है और इसके बारे में आला क़यादत का क्या कहना है। हम ये देखेंगे कि आखिर सारी दुनिया के लड़ाका त्यारों को छोड़कर इराकी एयरफोर्स ने पाकिस्तान के JS-17 थंडर को ही क्यों पसंद किया। तो अप्रैल 2021 में पाकिस्तान ने बगदाद में एक बड़ी दिफाई नुमाइश का एहतमाम किया जिसमे JS-17 थंडर ने अपनी कारकर्दगी दिखाई और इस मेले में मौजूद तमाम लोगों के दिल जीत लिए। इस त्यारे की खूबसूरती और परफॉर्मेंस ने इराकी एयरफोर्स का भी दिल जीत लिया। इसी मकसद के लिए जनरल नदीम रजा ने मार्च 2021 में दौरा भी किया था, आला इराकी दिफाई हुकाम से मुलाकातें भी की और दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई तावन पर तबादला ख्याल भी किया गया। दोस्तों, दिफाई तावन को अमली जमा पहनाने के लिए मई 2021 के मिड में इराकी डिफेंस मिनिस्टर ने पाकिस्तान का दौरा किया जिसके दौरान इन्होंने पाकिस्तान के रहनुमाओं और हुकाम से मुलाकातें भी की और पाकिस्तान से ब्लॉक 3 को खरीदने का इजहार भी किया। दोस्तों, यूं एक और मुल्क पाकिस्तान के JS-17 थंडर के खरीदारों में शामिल हो चुका है और बहुत जल्दी पाकिस्तान और इराक के दरमियान अमली डील भी तय पा जाएगी। दोस्तों, आपका इस हवाले से क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि हस्बे साबिक आज की ये काविश भी आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी ये काविश आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार भी जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक इजाजत चाहूंगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगेबान।